नमस्कार दोस्तों, भारतीय रेल अब सीनियर सिटीजन बुजुर्ग नागरिकों के लिए रेल टिकट महंगा करने जा रहा है और सीनियर सिटीजन को लेकर बड़े बदलाव भी किए जा रहे हैं। अब आपको ज़्यादा पैसे देकर रेल किराए में छूट मिलने वाली है और भी कई सारे नए नियम लागू किए गए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की सभी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, होता यूँ है कि सीनियर सिटीजन को छूट देने के पीछे बड़ी वजह थी कि ज़्यादातर बुजुर्गों के पास सोर्स ऑफ इनकम की कमी होती है। इसके बाद मार्च 2020 में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद सरकार ने रेल सफ़र करने के लिए उन्हें दी जाने वाली छूट को निलंबित कर दिया था। ऐसे में सीनियर सिटीजन के लिए रेल सफ़र करना काफ़ी महंगा हो चुका है। रेलवे एक अन्य विकल्प पर विचार करना शुरू कर दिया है। अब सभी ट्रेनों में प्रीमियम तत्काल योजना शुरू की जा रही है, जो रियायतों के बोझ को वहन करने में उपयोगी साबित हो सकती है। यह योजना फिलहाल करीब 80 ट्रेनों में लागू है। प्रीमियम तत्काल योजना रेलवे द्वारा शुरू किया गया एक कोटा है। यह कोटा अंतिम समय में यात्रा की योजना बनाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए है, जो थोड़ा अतिरिक्त खर्च करने को तैयार है। प्रीमियम तत्काल किराए में मूल ट्रेन किराया और अतिरिक्त तत्काल शुल्क भी शामिल होता है। पिछले सप्ताह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में एक सवाल के जवाब में कहा था कि रियायतें देने की लागत रेलवे पर भारी पड़ती है। उन्होंने कहा था कि विभिन्न चुनौतियों के मद्देनज़र वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी श्रेणियों के यात्रियों को रियायतें देने का दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रेलवे ने कहा कि हम समझते हैं कि ये रियायतें बुजुर्गों की मदद करती है और हमने कभी नहीं कहा कि हम इसे पूरी तरह से खत्म करने जा रहे हैं। हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं और इस पे फैसला जल्द आने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिकों को सितंबर के महीने से ही रेल किराए में छूट मिलनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों की रियायतों के लिए आयु मापदंड में बदलाव करने और इसे केवल 70 वर्ष से ऊपर लोगों के लिए मुहैया कराने पर विचार किया जा रहा है। यानी कि अब जिसकी उम्र 70 से अधिक होगी उन्हें रेल किराए में छूट मिलने वाली है। तो दोस्तों, अब सीनियर सिटीजन रेल किराया महंगा होने जा रहा है, वो भी कुछ नियम शर्तों के साथ। आज के इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में जानकारी देनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।